खबर चित्रकूट से है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से ग्राम गोंडा बाया रामपुर माफी भारतपुर होते हुए देवांगना हवाई पट्टी तक जाने वाले नक्शा में प्रकाशित लिंक रोड को रसूखदार स्टोन मिल मालिकों एवं राजनेताओं के द्वारा दबाव बनाकर स्थानीय प्रशासन द्वारा लिंक रोड परिवर्तित करके घनी आबादी के मध्य से निकलवाने की साजिश के संदर्भ में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति चित्रकूट द्वारा डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। और वहीं एडवोकेट रुद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा दलित आदिवासी महिलाओं के साथ लिंक रोड में बदलाव ना हो इसको लेकर प्रेस वार्ता कर और जानकारी दी गई है। हवाई पट्टी के लिए एक लिंक रोड का प्रस्ताव आया, सरकार लिंक रोड बना रही है जिसमें प्लान एक, प्लान दो, प्लान तीन बनाया गया नक्शे में और अंत में प्रशासन के द्वारा प्लान दो पास हुआ जो सुविधा मार्ग था। प्लान दो प्रस्ताव होने के बाद कुछ लोग जो प्लान दो में किसी की क्रशर, किसी का इंक्रोचमेंट की या प्लाट, महंगे प्लाट पड़ रहे हैं, तो उन लोगों ने प्रशासन में दबाव डाल करके प्लान दो जो बना था लिंक मार्ग उसमें थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। उस बदलाव में इन गरीब आदिवासी मजदूरों के मकान और झोपड़ी भी आ रही है, वो सब गिरा दी जाएंगी। कई बार इनको धमकी दी गई कि इनकी झोपड़ी गिरा दी जाएंगी, यहाँ से खाली कर दी। वो झोपड़ी है, वहाँ मकान है, वो मकान है जो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना से पैसा देकर के बनाया गया है। वहाँ हैंडपाइप है, आज दसों साल से उनके मकान है और ये वहाँ 40-50 साल से झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं कई पीढ़ियों से। अभी तक प्रशासन ये बात नहीं कभी कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना का धन क्यों लगाया जा रहा है, यहाँ क्यों लगाया जा रहा है, गाँव सभा की जमीन है, आबादी की जमीन है, ऐसा कह करके। अब जब बन गया है तो उन पूंजीपतियों की क्रशर बचाने के लिए, वो क्रशर ऐसी हैं जो इंक्रोचमेंट की गई हैं, गांव सभा की जमीन जबरदस्ती दबाई हुई है, तो उनको बचाने के लिए इन आदिवासियों के घरों में बुलडोजर चलाने के प्लान सरकार बना रही है। इसी पर ये आदिवासी महिलाएं कई बार प्रोटेस्ट कर चुकी, ज्ञापन दे चुकी और प्रशासन सत्ता दल के कुछ नेताओं के दबाव में आकर के इनके मकानों को गिराने में एडामेंट है। वो चाहती कि गिराएं तो हम गिरने नहीं देंगे, ये महिलाएं आदिवासी हैं, ये लड़ेंगी, धरना करेंगी, प्रदर्शन करेंगी और अगर नहीं होगी तो आमरण अनशन करेंगी, लेकिन अपने घरों को बचाएंगी क्योंकि दबाव पर गिराया जा रहा है। पूंजीपतियों के इशारे पर, सत्ता दल के सांसद विधायकों के इशारे पर इनके मकान गिराए जा रहे हैं। तो जनवादी महिला समिति, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा, ये सब मिल करके हम इन आदिवासियों के मकानों को, झोपड़ियों को बचाएंगे जो भी कीमत हमको। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।